हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो लास्ट फ्राइडे के दिन 80 पैसे की गिरावट देखने को मिली और ये स्टॉक 1% से भी ऊपर की गिरावट दिखाता हुआ नजर आया। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में मंडे को क्या टारगेट बनते हुए नजर आएंगे और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम इस स्टॉक पर टेक्निकल चार्ट पर आए तो कुछ इस प्रकार का चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहेगा, जहां पर इस स्टॉक में पीछे के एक हफ्ते में 5% की तेजी देखने को मिली है और एक महीने में इस स्टॉक में 4% की गिरावट भी देखने को मिली है। तो इस स्टॉक में जैसा कि आप चार्ट पैटर्न भी देख सकते हैं कि निचले लेवल पर तो इस स्टॉक पे खरीदारी होती हुई नजर आ रही है और इस स्टॉक का जो एक हाई बॉटम बनता हुआ नजर आया वो 63 रुपए, 63 रुपए इस स्टॉक ने अपना हाई बॉटम बनाया। वहीं से इस स्टॉक में एक करेक्शन देखने को मिली और नीचे का इस स्टॉक में एक बड़ा सपोर्ट लेवल निकल के आता है अराउंड 52 रुपए 90 पैसे। 52 रुपए 90 पैसे के बाद ही इस स्टॉक में यहीं से एक बाउंस बैक देखने को मिला, जहां पर इस स्टॉक ने एक अपना हाई लगाया था अराउंड 61 रुपए का। 61 रुपए का हाई लगाने के बाद में फिर से इस स्टॉक में एक नीचे भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आपको एक शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस ट्रेड करना चाहिए जो कि अराउंड 56 रुपए, 56 रुपए का आप शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस ट्रेड कर सकते हैं और यहाँ से इस स्टॉक में एक बाउंस बैक देखने को मिलता है तो शॉर्ट टर्म टारगेट 61 रुपए 50 पैसे तक के देखने को मिलेंगे। और अगर हम देखें फ्रेश ब्रेकआउट की तो 63 रुपए के बाद ही इस स्टॉक में फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जहां पर ये स्टॉक 70 रुपए और 90 रुपए तक लॉन्ग टर्म के टारगेट बनाता हुआ नजर आएगा। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आपको लॉन्ग टर्म का व्यू रखना चाहिए, वहां पर इस स्टॉक में आपको काफी बड़े रिटर्न देखने को मिलेंगे। अगर हम देखें तो अराउंड 6 महीने में इस स्टॉक में 36% से भी ऊपर की तेजी देखने को मिली है। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।